हरियाणा में डेंगू मलेरिया ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी डेंगू के केस पिछले साल के मुकाबले कम है। जैसे रुक रुक कर बरसात हो रही है, उससे खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। अब तक प्रदेश भर में डेंगू के 385 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले दो दिनों की बात करें तो इस दौरान सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनमें 85 केस सामने आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में अभी तक किसी की हालांकि जान नहीं गई है। वर्ष 2023 में प्रदेश में डेंगू के 1642 केस सामने आए थे, जबकि एक व्यक्ति की इस दौरान मौत भी हो गई थी। वहीं मलेरिया की बात करें तो 108 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया के 5 केस सामने आए हैं, इनमें से पलवल में 3 और यमुनानगर में 2 केस शामिल है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस समय हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा गंभीर हालात हरियाणा के जिला पंचकुला में बने हुए हैं, जहां पर रोजाना डेंगू के जितने केस पूरे प्रदेश भर में नहीं आते, वहीं उतने पंचकुला में सामने आ रहे हैं। यहां अब तक डेंगू के कुल 195 केस मिल चुके हैं। वहीं गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, हिसार व फरीदाबाद जिलों में भी डेंगू पीड़ितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों हर जिलों में जगह जगह पर डेंगू का लार्वा मिल रहा है। प्रदेश में वर्ष 2023 की बात करें तो मलेरिया के 48, डेंगू के 1642, जबकि चिकनगुनिया के 78 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग के मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मलेरिया केसों की संख्या इस बार पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे अधिक है। अब तक 108 मलेरिया पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बात गत दिवस की करें तो हरियाणा में लगभग मलेरिया के 6 केस सामने आए हैं। इससे पहले वर्ष 2020 में ही मलेरिया पॉजिटिव केसों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। हरियाणा में बढ़ते डेंगू व मलेरिया के केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी हालांकि अलर्ट मोड पे है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम को लेकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते कूलर, घरों के फ्रिज, एसी, गमले व छतों पर पानी जमा होने के सैंपल भरे जा रहे हैं। लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचाव को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जागरूक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बरसात के बाद मौसम में नमी बढ़ जाती है। खाली प्लाट, गमलों में पानी जमा होने से डेंगू का लार्वा पनपना शुरू हो जाता है। ऐसे में पंचायत विभाग ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के डंक को रोकने के लिए सप्ताह में फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। ताज़ा हालातों की बात करें तो इस वक्त हरियाणा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बुखार पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकांश मरीजों में डेंगू व मलेरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि दिन में तेज गर्मी पड़ने और रात को तापमान के कम होने के कारण शरीर का तापमान बिगड़ रहा है। ऐसे में मौसम में वायरल होने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं यदि आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो आपको बता दें कि 2016 में डेंगू के 2454 केस सामने आए थे। वहीं 2017 में 4550, 2018 में 1936 और 2019 में 1207 केस सामने आए थे। इसके साथ ही 2020 में 1377 और 2000 में सबसे ज्यादा यानी 11835 डेंगू के मामले सामने आए थे। वहीं 2022 की बात करें तो 8996, 2023 में 8801 केस डेंगू के मिले थे। वहीं बाद 2024 में अब तक की करें तो इस वक्त तक हरियाणा प्रदेश में 385 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जहां प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, वहीं सच कहूं भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप अपना ध्यान रखें और अपने घरों में बरसात के पानी को या गंदे पानी को जमा होने ना दें।